आज हम लोग ब्लड के कंपोनेंट प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ब्लड के कंपोनेंट प्लाज्मा क्या होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट। तुमने क्लास प्रीवियस क्लास में देखा था कि ब्लड, तो ब्लड क्या होता है, तो ब्लड किससे मिलकर बनता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो हम आज देख रहे हैं प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट होती है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं, और प्लाज्मा किस तरह का हमें देखने में लगता है, प्लाज्मा का क्या फंक्शन है। तो हम देखते हैं फर्स्टली कि प्लाज्मा, तो प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा एक क्लियर कैसा होता है, स्लाइटली येलो लिक्विड। तो कैसा होता है, स्लाइटली येलो लिक्विड होता है, और इसके कंटेनिंग क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन वाटर एंड अदर्स। ये इसके क्या रहते हैं, कंटेंट रहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन वाटर एंड अदर इसके क्या रहते हैं, कंटेंट रहते हैं, जो कहीं ना कहीं क्या करता है, बॉडी को न्यूट्रिशन सप्लाई में हेल्प करता है, क्या करता है, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जो बेस्ट प्रोडक्ट उन्हें बाहर रिमूव करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ क्या करता है, हॉर्मोन्स को एंड साल्ट मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। बॉडी के अंदर क्या करता है, जो फिब्रिनोजन फॉर्म करता है, जो कहीं ना क्लॉटिंग फैक्टर को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये इसके क्या रहते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या रहते हैं, फंक्शन रहते हैं। तो ये रहता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा होता है, क्लियर स्लाइटली येलो कलर का होता है। उसके जो कंपोनेंट कंटेनिंग देखेंगे तो क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, इसके प्लाज्मा प्रोटीन वाटर एंड अदर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर हम प्लाज्मा प्रोटीन देखते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है और इसका क्या फंक्शन है। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है, क्या जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या करती है, वो कहीं ना कहीं कुछ फंक्शन में हेल्प करती है, जैसे कि इसके सारे फंक्शन प्लाज्मा के, प्लाज्मा के प्रोटीन क्या करती है कि कहीं ना कहीं ये क्या करती है, हार्मोन सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट करने में, ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ क्या करती है, ये आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो कहीं ना कहीं जो प्लाज्मा प्रोटीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर उसे क्या करना, कंट्रोल करके या मेंटेन करके रखने में हेल्प करती है, कौन, प्लाज्मा प्रोटीन। तो हम देखते हैं इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन के कौन कौन से प्रोटीन में क्या क्या आते हैं। तो उसमें आता है आपका एल्बुमिन, फर्स्ट क्या होता है, एल्बुमिन। एल्बुमिन कहाँ से फॉर्म्ड होता है, लिवर से। ये क्या होता है, फॉर्मेशन होती है, इसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, लिवर से होती है, और ये क्या करता है, प्लाज्मा के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से होती है, लिवर से होती है। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे क्या करना, मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबुलिन, क्या होता है आपका ग्लोबुलिन। तो ये भी क्या होता है, मोस्ट, ये मोस्टली कहाँ से फॉर्म्ड होता है, आपका लिवर से। इसका भी फॉर्मेशन कहाँ से होता है, लिवर से होता है, और ये क्या फंक्शन करते हैं, ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हार्मोन्स सॉल्ट इन सब को क्या करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। बॉडी के अंदर क्या हार्मोन्स सॉल्ट मिनरल्स को क्या करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, कौन, ग्लोबुलिन। और ये फॉर्मेशन कहाँ से होती है, इनकी भी लिवर से ही फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिब्रिनोजन, तो दिस इज सिंथेसाइज इन लिवर। तो ये इनका भी सिंथेसाइज कहाँ से होता है, लिवर से होता है। ये सिंथेसिस कहाँ से होती हैं, लिवर से होते हैं, और ये लिवर से सिंथेसाइज होते हैं। तो इनका जो फंक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ब्लड को कोगुलेट करना, मतलब ब्लड के थक्का जमाने में हेल्प कर दें, ब्लड को कोगुलेशन में हेल्प कर दें। जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कौन सा क्या होता है, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो जो हम देखते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर क्या रहते हैं, हम तीन प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। तो एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, इसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, लिवर से। ग्लोबुलिन ये भी कहाँ से होता है, फॉर्मेशन लिवर से होता है, और इसका जो फंक्शन क्या रहता है, इसका ट्रांसपोर्ट करना, किसको, हार्मोन और सॉल्ट एंड मिनरल्स को क्या करना, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन कहाँ से सिंथेसिस होता है, लिवर से सिंथेसाइज होता है। दर इसका जो फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जो ब्लड के थक्का जमाने में क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये रहते हैं कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, जो कहीं ना कहीं सभी अपना अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलेटरी बॉडीज, नेक्स्ट क्या होती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या होती हैं, वो क्या करती हैं, तो जो रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या करती हैं, जो सॉरी रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करती हैं, ये भी कुछ प्रोटीन्स रहती हैं जो कहीं ना कहीं बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं उनको क्या करना, प्रॉपरली रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। बॉडी के जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उसको क्या करना है, प्रॉपर वे में रेगुलेट करने में हेल्प करना, जैसे कि हार्ट बीट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, किडनी, मतलब बॉडी के सारे जो भी फंक्शन है उसको क्या करना, प्रॉपरली रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं, कौन सी, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर्स में क्या रहते हैं, अदर्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। कुछ
इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, क्या रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं जो कहीं ना कहीं बॉडी को प्रॉपरली मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जो बॉडी को। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होता है, क्या होता है ये, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जो क्या करती हैं कहीं ना कहीं बॉडी में कहीं ना कहीं प्रेशर को या पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की हेल्प से क्या करते हैं, बॉडी को प्रॉपर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं, सोडियम, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट और बाई कार्बोनेट, ये क्या रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं जो कहीं ना कहीं हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, प्लाज्मा के अंदर हमें मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं बॉडी को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मतलब ऐसे तत्व जो कहीं ना कहीं बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी ऊर्जा प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो हम उसमें देखते हैं कौन कौन से हैं कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रहता है, लिपिड्स रहते हैं, क्या रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। जो कार्बोहाइड्रेट है और जो लिपिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। हम कोई भी वर्क करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उस टाइम में ये क्या करते हैं, उस एक्टिविटी में एनर्जी यूज़ हो रही है या उसके लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, चलने में, घूमने में, बैठने में, तो ये कहीं ना कहीं क्या रहते हैं, ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, साथ ही साथ क्या करते हैं, बॉडी का जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसमें भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर क्या रहती है, ऑर्गेनिक वेस्ट, सो मतलब कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, उनका कोई भी यूज़ नहीं है, वो क्या क्या रहते हैं, यूरिया एंड यूरिक एसिड, इसको हम बॉडी से क्या कर देते हैं, ये रिमूव कर देते हैं, कहीं ना कहीं ये बॉडी के लिए कोई भी बेनिफिशियल नहीं, ये कहीं ना कहीं बॉडी के लिए क्या रहते हैं, हार्मफुल होते हैं। कौन कौन से आपके, यूरिया एंड यूरिक एसिड, जिनको हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक वेस्ट। तो आज हम लोगों ने देखा था प्लाज्मा, तो प्लाज्मा क्या होता है, क्लियर स्लाइटली येलो कलर का रहता है, इसके जो कंपोनेंट रहते हैं वो कौन से रहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन वाटर एंड अदर्स रहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या रहता है, एल्बुमिन रहता है, ग्लोबुलिन रहता है और फिब्रिन। एल्बुमिन क्या, कहाँ से फॉर्म्ड होता है, आपका लिवर से फॉर्म्ड होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन कहाँ से फॉर्म्ड होता है, लिवर से फॉर्म्ड होता है और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, हार्मोन सॉल्ट एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका फिब्रिनोजन, ये भी फॉर्म कहाँ से होता है, लिवर से ही होता है, बट इसका जो फंक्शन है वो क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका क्या रहते हैं, आपके रेगुलेटरी प्रोटीन, जो प्रोटीन जो प्रोटीन क्या करते हैं, बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट अदर्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, जो कहीं ना कहीं बॉडी को प्रॉपरली मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आप न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गन न्यूट्रिएंट्स वो क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनिक बेस्ट होते हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, यूजलेस होते हैं, उन्हें बॉडी से रिमूव करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो आज हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, और प्लाज्मा से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।